अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। Do you know that Islamophobic speech damages Islam and Islamic symbols, verses, hated and sacred places are insulted in games? क्या आपके ख्याल में ऐसे गेम एंटरटेनमेंट हैं या ये एक नए शैतानी निज़ाम को मानने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है? ये तो आपको सोचना है कि हमारी न्यू जनरेशन इस ख्याली दुनिया में कितना दूर निकल चुकी है। गेमिंग इंडस्ट्री का तो आपको मालूम ही है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वालों की आलाकार हैं, जिनका मकसद दज्जाली दुनिया का कयाम है। इन गेम्स में दज्जाल के कैरेक्टर को मुख्तलिफ रूप में एक हीरो की तरह दिखा के बच्चों का पसंदीदा किरदार बनाया जा रहा है, ताकि जब दज्जाल आए तो उसे किसी पसोपेश के बिना ही तस्लीम कर लिया जाए। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत से वीडियो गेम्स में इस्लाम की तोहीन भी दिखाई जाती है। अक्सर गेम्स में ये दिखाया जाता है कि बुराई के खात्मे के लिए प्लेयर्स मस्जिद नबवी और खाना काबे में दाखिल होते हैं, और जैसे जैसे इन गेम्स के स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें जगह जगह कुरानी आयात और कुरान पाक बिखरे हुए भी नज़र आते हैं। असल में लाशौरी तौर पर ये बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि इस्लाम एक बुराई का मज़हब है और जिसके लिए इनको लड़ना है। एक गेम में मस्जिदुल हराम को दिखाया गया है और उसका इमेज दिया गया है कि यहीं से बुराई और खौफ इस दुनिया में फैला। ये तो सिर्फ कुछ झलकियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये गेमिंग इंडस्ट्री इस माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत आगे निकल चुकी है, और हम जैसे लोग ही इनको खेल के इन कंपनीज़ को खरबों रुपये का फ़ायदा देते हैं। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का रिवाज बहुत आम है, और इन ऑनलाइन गेमिंग्स में एक एक सेकंड में आप इन कंपनीज को कमा के दे रहे होते हैं। यहाँ ये बताती चलूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री आजकल की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री है। मतलब कि जितने वक्त को आप अपने और फैमिली पे लगा के एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, वो वक्त आप इन गेमिंग इंडस्ट्री को कमा के देने पे लगा देते हैं। वक्त एक सरमाया है और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हमारे दीन में वक्त की कदर के बारे में बहुत जगह पर वाज़ेह फरमाया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। आज के माहौल में जिस तरह उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी तादाद जिन गैर मुनासिब चीज़ों में वक्त ज़ाइल करने को अपना फ़ख्र समझते हैं, उनमें सरे फहरिस्त टिकटॉक और पबजी हैं। टिकटॉक के बारे में तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी नई नस्ल को टिकटॉक पे नाचने गाने में मसरूफ़ करके यही लोग हमारे मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं, और जिस कौम की नई नस्ल को नाचने गाने से फुर्सत ही ना मिले, उस कौम में से कैसे सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद और इन जैसे दूसरे बहादुर निकलेंगे, जिनके नाम से आज भी इस्लाम दुश्मन अनासिर डरते हैं कि ऐसे जंगजू दोबारा पैदा ना हो जाएँ। खैर, बात हो रही थी पबजी की, जिसे प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें प्लेयर किसी अननोन बैटल ग्राउंड में खाली हाथ उतरता है और फिर हथियार ढूंढ के अपनी बका की जंग शुरू करता है। आखिर में जो बचता है उसे फातह समझा जाता है और चिकन डिनर की शक्ल में उसे इनाम से नवाजा जाता है। आज नौजवानों और बच्चों का एक बड़ी तादाद इस गेम की आदी हो चुकी है, बल्कि इस गेम को नशा कहा जाए तो यही एक प्रॉपर वर्ड होगा इस गेम के लिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी, उसे सुन के यकीनन इस गेम को आप अपने घरों में बैन कर देंगे। पबजी गेम में अब शिर्क को प्रमोट किया जा रहा है। ये तो गेमिंग की स्ट्रेटजी है कि पहले आपको गेम का आदी बना दिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी शिरकिया चीज़ें गेम में शामिल की जाती हैं जो आपको आम लगें, लेकिन हकीकतन ये चीज़ें आपके ईमान को तबाह कर रही होती हैं। इस गेम के ख़िलाफ़ पहले भी फतवे आ चुके हैं, और हाल ही में पबजी का नया वर्जन मंजरे आम पे आया जिसे लोगों ने पसंद भी किया। अब आपको बताती हूँ कि इस वर्जन में ऐसा क्या है। तो जनाब, इस वर्जन में एक स्टेज है जिसमें आपको अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए जंगल में रखे गए बुतों के आगे झुक के मदद मांगनी होगी, और इसे किए बिना आप ये स्टेज पार भी नहीं कर सकते। जाहिर है मुसलमानों ने इस वर्जन पे एतराज़ उठाया और इसे इस्लाम की तोहीन करार दिया।
मुसलमानों के एहतजाज पे पबजी कंपनी ने फिलहाल इस वर्जन को हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये सब हमारा रद्द अमल मालूम करने के लिए किया था, क्योंकि अब आगे इससे ज़्यादा ख़तरनाक शेर इस गेम में नज़र आएंगे। पबजी के नए वर्जन में बुतों की तज़ीम दिखाई गई है। यहाँ ये बताया गया है कि जो इन बुतों की तज़ीम करेगा वो ताकत हासिल कर सकता है। बहैसियत मुसलमान हमें मालूम है कि ये एक शिर्क है और शिर्क किसी सूरत काबिल माफ़ी अमल नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे गेम्स में वक्त ज़ाया करके अपनी आखिरत तबाह ना करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। We have the power to prevent Islamophobia. Be aware of Islamophobia. Note it. Send it. Complain it. Stick to your values. उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।